हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का वीडियो HSSC CET प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चल रही है उसका 8वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, 7 प्रैक्टिस सेट इससे पहले करवा चुके हैं जो कि आपको काफी पसंद आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इन वीडियो में हम आपको बिल्कुल डिटेल के साथ जो प्रीवियस पेपर हुए हैं वो करवा रहे हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। साथ ही अगर इन वीडियो के आपको अगर PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप कूल बॉय कुलबीर के नाम से सर्च कर लें, ठीक है। वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, कई बार लिंक काम नहीं करता, तो अगर लिंक काम नहीं करता तो कूल बॉय कुलबीर ये लिख के टेलीग्राम पे सर्च करें और चैनल को ज्वाइन कर लें दोस्तों, ठीक है। साथ ही चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन भी दबा लें। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। लगभग डेली 2 वीडियो आप डाल रहे हैं तो आप चैनल के साथ बने रहे दोस्तों, ठीक है। ज्यादा समय आपका खराब करते नहीं, शुरू करते हैं आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8। पहला क्वेश्चन देखिए, कल 50 क्वेश्चन हमने इस पेपर के करवा दिए थे, उसे अगले 50 क्वेश्चन अभी हम आपको करवाने वाले हैं। जल के साथ अवांछित पदार्थ का मिलना क्या कहलाता है? तो जल के साथ अवांछित पदार्थ का मिलना क्या कहलाता है दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा आपका वाटर सोल्यूबल यानी कि जल प्रदूषण। जल के साथ अनिच्छित या अवांछनीय पदार्थों का पाया जाना जल प्रदूषण कहलाता है। यह एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जो मानवीय गतिविधियों के कारण होता है, जैसे औद्योगिक है, कृषि तथा घरेलू कारण। विश्व में मात्र 0.3% जल ही मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। आपने कमेंट करके बताना है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, ताकि हमें भी पता लगे आप वीडियो को देखते हैं, और कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। जिसको नहीं पता वो कमेंट बॉक्स एक बार जरूर देख ले क्योंकि वहां पे कमेंट होते हैं, तो उनको देख के आप इस क्वेश्चन का आंसर पता लगा सकते हैं। उसके बाद मौर्य साम्राज्य कब शुरू हुआ? तो मौर्य साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो ये आपका 322 ईस्वी पूर्व, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईस्वी पूर्व में 25 साल की आयु में मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त करके अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? तो ये सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। क्वेश्चन को घुमा भी सकते हैं, सेल्यूकस निकेटर ने किसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? तो मेगस्थनीज को। और ये भी हो सकता है सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। तो हर टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। विज्ञापन का सबसे बड़ा व्यापक रूप और भाग की ग्रामीण जनता का पसंदीदा, ये आपका वॉल पेंटिंग दोस्तों, भित्ति चित्र, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भित्ति चित्र जो है विज्ञापन भारत में आउटडोर विज्ञापन में मार्केटिंग रणनीति का सबसे लोकप्रिय रूप है क्योंकि ये तब दिखाई देता है जब लोग यात्रा कर रहे होते हैं। उसके बाद है हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है। तो ये लगता है आपका किसान मेला दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे लगता है? करनाल के अंदर। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में लगने वाला किसान मेला प्रतिवर्ष सितंबर माह में आयोजित किया जाता है। इस मेले में देश के लगभग विभिन्न भागों से किसान आते हैं जिन्हें फसल व कृषि उपकरण की सहायता से उन्नत बीज की समग्र जानकारी दी जाती है। दोस्तों एक करनाल नहीं आया, हिसार आया यहाँ पे, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। हिसार के अंदर आपका ये मेला लगता है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, ठीक है, किसान मेला। उसके बाद है मैथ के क्वेश्चन, आप खुद से कर लेना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी पदानुक्रम में सबसे तेज मेमोरी है? तो सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी दोस्तों आपकी, सी ऑप्शन। कैश मेमोरी जो है एक उच्च गति वाली मेमोरी है जो रैम और सीपीयू के मध्य बफर के रूप में कार्य करती है। इसका उपयोग उच्च गति के सीपीयू के साथ गति और सिंक्रनाइज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है ग्रामीण बाजार में अर्जन क्षमता है, जीवन मापन की कीमत सदैव उनके आय अर्जन के तरीकों पर निर्भर करती है। आय स्तर अविश्वसनीय है क्योंकि यह अधिकांश मौसम पर और कृषि पर निर्भर है, अतः आय स्तर निश्चित नहीं हो सकता। किसका नहीं हो सकता? देखिए जो अर्थव्यवस्था है इसका नहीं हो सकता दोस्तों, सी इकोनॉमी का, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से
हरियाणा के कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? तो यमुना नदी द्वारा देखिए दोस्तों कौन सा नहीं है, हिसार, पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत। तो पानीपत भी लगता है, यमुनानगर भी लगता है, सोनीपत भी। हिसार आपका जो यमुना नदी पर नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है। बात यहाँ पे पढ़ लेते हैं, यमुनानगर में कलेश्वर वन के पास यमुना हरियाणा में प्रवेश करती है, जो फरीदाबाद के निकट है। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें, यमुना नदी 1376 किलोमीटर है और लगभग 300 किलोमीटर हरियाणा के विभिन्न जिलों में पड़ता है, जो कि यमुनानगर में है, करनाल में है, सोनीपत, पलवल, यानी कि पूर्व में हरियाणा के लगभग ये लगती है, ठीक है। और हिसार जिला जो ये यमुना नदी से सिंचित नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में, ये तो आरेख वाला क्वेश्चन है, आप करके देखें ना दोस्तों, आंसर की यहाँ पे दे ही दी है, ठीक है। इसको देख के आप आराम से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ सारी की सारी, और पूरा पेपर सॉल्व करके देखना आप। उसके बाद है, हरियाणा के इस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल में उनके योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी हेतु नामित किया गया था। किसको किया गया था? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, कौन है, राज सिंह छिकारा, ठीक है, राज सिंह छिकारा को किया गया था 2022 में, ठीक है। उसके बाद सूर्य ग्रहण क्या है? तो सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब दोस्तों पृथ्वी, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाए, चंद्रमा आ जाए। इसमें सूर्य आपका हमेशा स्थिर रहेगा दोस्तों, जब भी कोई भी होगा तो ये आप ध्यान रखना, सूर्य जो है वो आपका स्थिर मिलेगा आपको, या तो पृथ्वी बीच में आएगी या चंद्रमा बीच में आएगा, ठीक है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा बीच में आता है, ठीक है, और चंद्र ग्रहण होता है तब पृथ्वी बीच में आती है। यहाँ पे देखिए, जब कभी दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती स्थिति चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं देती, स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य कुछ समय के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण सिर्फ अमावस्या को ही लगता है, ठीक है दोस्तों। भारत जो है विश्व का कौन से नंबर का बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो यह है सातवां दोस्तों, ठीक है, सातवां हो जाएगा, जो कि 2.42% है, ठीक है। भारत में बड़े, भारत से बड़े जो 6 देश हैं वो है, रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद करनाल का युद्ध राजस्थान और मुगल साम्राज्य के मुहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। किस किस के बीच? नादिर शाह और मुहम्मद शाह के बीच हुआ था दोस्तों। 1739 में ये युद्ध हुआ था, 24 फरवरी 1739 को फारस के राजा नादिर शाह तथा मुगल शासक मुहम्मद शाह के मध्य लड़ा गया, जिसमें नादिर शाह विजयी हुआ तथा बाद से मयूर सिंहासन और कोहिनूर अपने साथ ले गए थे, ठीक है। एनडीसी के आपने फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों, एनडीसी की क्या फुल फॉर्म हो जाएगी, ये देखिए, नेशनल डिफेंस कॉलेज, ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय नेशनल डिफेंस कॉलेज एनडीसी की स्थापना 1960 में हुई थी। ये भारतीय सेना के लिए उच्च शिक्षा का संस्थान है जो दिल्ली में स्थित है। उसके बाद है, पेवा मेला निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में लगता है? पेवा लगता है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा। पेवा का जो प्राचीन शहर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यह प्रत्येक वर्ष अंतिम सूर्य ग्रहण के समय पेवा का मेला लगता है। यह ऊंच महत्व और गौरवशाली अतीत वाला एक धार्मिक स्थल है, जो विशेषकर प्रतिष्ठित मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा, पढ़ लीजिए इसके बारे में। संचालन समिति का था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति का B.R. अम्बेडकर, और व्यापार समिति के M. मुंशी, और हाउस कमेटी के V.पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो तीनों आपको जो है ये समितियों के अध्यक्ष याद होने चाहिए, जो भी समितियां हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी भी ये पूछ सकते हैं। उसके बाद हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार दोस्तों? भीम अवार्ड दिया जाता है, आपको पता होगा, इसमें 5 लाख की राशि दी जाती है। हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है भीम अवार्ड, ठीक है, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जुन अवार्ड के समकक्ष माना जाता है। इस पुरस्कार विजेताओं भीम की एक लघु प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के साथ
5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है मध्यमंडल में तापमान, जो बीच में होता है मेजोस्फीयर, तो टेम्परेचर वहां पे क्या होगा, तो टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, ऊपर जाते जाएंगे तो, ठीक है। तो पृथ्वी के सतह से लगभग 50 से 80 किलोमीटर के मध्य स्थित मध्यमंडल ऊंचाई के साथ उत्तरोत्तर ठंडा होता जाता है, अर्थात तापमान घटेगा। इस मंडल के ऊपरी परत पर मौजूद बहुत दुर्लभ जलवाष्प रात में बादलों का निर्माण करते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे उच्च बादल है। उसके बाद है एक गहरी संकरी घाटी जिसके साथ खड़ी ढाल हो सकती, खड़ी ढाल हो कहलाती है, उसको बोलते हैं गॉर्ज। दोस्तों बी ऑप्शन हो गया गॉर्ज, ठीक है। एक गहरी संकरी घाटी जिसके साथ खड़ी ढाल हो गॉर्ज कहलाती है। यह कठोर चट्टानों से बनते हैं, ऊंच भागों में जहां नदियों के द्वारा परसों अपरदन की अपेक्षा ऊर्ध्वाधर अपरदन की क्रिया तेज होती है, वहां तंग घाटी का निर्माण होता है। ये गहरी तथा संकरी नदी घाटियां होती हैं, जिनके दोनों किनारों का ढाल बहुत तीव्र होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% प्राप्त करने वाला राज्य बन गया। क्या प्राप्त करने वाला, विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क दोस्तों, ठीक है। रेलवे नेटवर्क के लिए सबसे एक नंबर हो गया है 2023 में हरियाणा राज्य में रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कार्य पूरा हो लिया है। इस उपलब्धि के कारण हरियाणा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, ठीक है। लाल मृदा के लाल रंग होने का क्या कारण है, तो इसका कारण है लोगों की उपस्थिति दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। यह मिट्टी देश के लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार यह मिट्टी देश का द्वितीय विशालतम वर्ग है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, जिसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दाणे और मोटे अनाजों की खेती हो सकती है, ठीक है। उसके बाद कौन सा एरर डिटेक्शन कोड एरर का पता लगाने के लिए सिंगल पैरिटी बिट का उपयोग करता है, तो ये करता है पैरिटी बिट दोस्तों, बी ऑप्शन, ठीक है। पैरिटी चेक डाटा ट्रांसमिशन और स्टोरेज में त्रुटियों का पता लगाने के साथ साथ एक संरक्षित डाटा ट्रांसमिशन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए उपयोग करता है, ठीक है। उसके बाद बुढ़िया का यह प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले में बनवाया गया, बुढ़िया का रंग महल जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, तो ये आपका क्या है, रंग महल है। रंग महल बुढ़िया का एक प्रसिद्ध स्मारक है जो शाहजहां द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले में बनवाया। ये यमुनानगर जिले का एक प्राचीन शहर है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है दोस्तों। पहले अंबाला में था, अब किस में है, यमुनानगर में। ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण देखिए, औद्योगिक बाजार, सेवा बाजार, उपभोक्ता, तो तीनों के तीनों होते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नियाग्रा नदी कहाँ है, नियाग्रा नदी की अगर बात करें तो ये उत्तर अमेरिका में है दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बहने वाली नियाग्रा नदी न्यूयॉर्क तथा ओंटारियो शहर की सीमा बनाते हुए लगभग 58 किलोमीटर बहती है। यह नदी अपने नियाग्रा जलप्रपात के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है, जिसे कहते हैं फेरी कोइन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको बी ऑप्शन हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, याद कर लेना इसको। हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है, जिसे फेरी कोइन के नाम से जाना जाता है। यह इंजन 1855 ईस्वी में बना था, इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। बर्लिन में अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट ब्यूरो द्वारा मार्च 2000 में इसे हेरिटेज अवार्ड दिया गया, ठीक है। उसके बाद है सुधांशु भाई प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, अभी बताया था आपको, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर था, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। समितियों के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो ये फिर से आ गए हैं, संचालन समिति का राजेंद्र प्रसाद है, प्रारूप का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, व्यापार समिति के एम मुंशी और हाउस कमेटी के वी पद्दा भी सीतारमैया। उसके बाद विटामिन ए रेटिनोल है तो सी क्या हो जाएगा, सी एस्कार्बिक एसिड होता है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नब चोर हरियाणा के किस जिले में प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है? तो ये हिसार के अंदर होता है दोस्तों, बी ऑप्शन, हिंदी भाषा में प्रकाशित होता है। उसके बाद जैसे आयुर्वेद औषधि तो धनुर्वेद किससे हो जाएगा? धनुर्वेद सीधी सी बात है, अर्चरी से हो जाएगा, धनुष विद्या से। ठीक है, सी ऑप्शन। इसके अंतर्गत 40% भू क्षेत्र आता है, बल्कि पूरी उत्तरी मैदान इसी मृदा से बना है। तो ये हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा से। जलोढ़ मृदा नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा घाटी एवं केरल के तटवर्ती भागों में तथा समुच्चा उत्तरी मैदान इसी मिट्टी से बना है। यह मिट्टी देश के लगभग 40% से अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। यह मिट्टी नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित है। यह भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंसेज आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर में कितने टेंस होते हैं? सभी को पता होगा तो तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी बिफोर आफ्टर तो इंजॉय, मतलब विपरीतार्थक है तो इंजॉय का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सफर। ठीक है, इंजॉय का मतलब आनंद लेना होता है, सफर का मतलब पीड़ित होना या झेलना होता है, सैड का मतलब दुखी, हैप्पी, खुश, पेन, दर्द। उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के इंग्लिश में कितने प्रकार होते हैं? इंग्लिश ग्रामर की पूछा तो पांच होते हैं दोस्तों, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। ठीक है, उसके बाद हैंड पुलेट से संबंधित है तो कंगारू। तो जैसे एन के बच्चे को पुलेट बोलते हैं, तो कंगारू के बच्चे को क्या बोलेंगे? जोय, JOEY। ठीक है दोस्तों, कंगारू का बच्चा होता है ये। काफ जो है बछड़ा होता है, और कब जो है शेर यानी भालू का बच्चा होता है, और पप जो है कुत्ते का छोटा बच्चा होता है। उसके बाद द पास्ट पार्टिसिपेट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रा, तो ये हो जाएगी आपकी ड्रॉन, डी ऑप्शन। ठीक है, दिया गया वर्ब ड्रा किसी का चित्र या आरेख बनाना होता है, इसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रान। ठीक है, हिंदी भाषा आ गई। अब यहां से देखिए, सोरसनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो सोरसनी से हुआ है आपका राजस्थानी का दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर भारत में अपभ्रंश के सात भेद के रूप में प्रचलित थे, जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। ये सात प्रकार के अपभ्रंश निम्न है, तो यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारी भाषाओं का, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। सोरसैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी ब्रज भाषा खड़ी बोली, पैसाची से लेंदा पंजाबी, ब्राचड़ से सिंधी, खस से पहाड़ी, कुमायनी गढ़वाली, महाराष्ट्री से मराठी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और मागधी से बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तय थे दे धे से आदि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? यह दंत है। ठीक है, यहाँ पे इनका उच्चारण स्थान सभी का दे दिया गया है, कंठ से जो है वर्ग होता है ए आ के वर्ग है तथा विसर्ग, उसके बाद तालव्य से ई ई च वर्ग ये और से, मूर्धन्य से री ट वर्ग रे और घ, दंत से ट वर्ग ले और से। ठीक है, ओष्ठ से ऊ तथा प वर्ग, और कंठ ताले से ए आई और कंठोस्थ ओ औ। ठीक है, दंत, तो ये आपके यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी आपकी रचना हो जाएगी ऑप्शन बी, अमीर खुसरो की। खालिक बारी रचना अमीर खुसरो की है। भाषा के रूप में अवधि का पहला स्पष्ट उल्लेख खालिक बारी में ही मिलता है। इस रचना में तारीख, भक्ति, विचारधारा और धार्मिक मुद्दों पर व्याख्यान किया गया है। अमीर खुसरो की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? एक तो है किरान उस सादिन, एक है आशिका, एक है तुगलकनामा, एक है मिफ्ता उल फतु, और एक नू सिपी। रहीम की है रहीम रत्नावली, रहीम विलास, रहीम कवितावली। रहीम वाली के आगे तो रहीम लगा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद है हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन होते हैं दोस्तों दो प्रकार के, एक वचन बहुवचन, आपको पता होगा। ठीक है, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध, उसे वचन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? ये किया गया 1903 के अंदर दोस्तों। ठीक है, 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला। यह पत्रिका इंडियन प्रेस प्रयाग से सन 1900 ईस्वी के
जनवरी मास में शुरू हुई थी। इसके संपादक मंडल में श्री श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, श्री जगन्नाथ रत्नाकर, श्री किशोरी लाल गोस्वामी शामिल थे दोस्तों। ठीक है, 1903 इसका राइट आंसर आएगा। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी अगले वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहें। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। ठीक है, तो आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।